ब्रो, मैं हूँ राजेश और आज मैं आपको बॉलीवुड के 10 बेहतरीन लव स्टोरी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बॉलीवुड के मूवीज तो हिंदी में ही अवेलेबल होते ही हैं और कहाँ पे अवेलेबल है ये भी बता दूंगा, कैसे आप देख सकते हो ये भी बता दूंगा। इन सारे मूवीज में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, बहुत सारे रोमांस और अच्छा खासा स्टोरी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन मूवीज के बारे में और जानना या इन मूवीज को देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 लव आजकल 2 2020 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको कार्तिक आर्यन, सारा अली खान और आयुषी शर्मा जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो इस मूवी में आपको दो कपल्स की कहानी दिखाया गया है जो कि समय के साथ अलग हो चुके होते हैं। उनके बारे में ये कहानी है, वो लोग कैसे सोसाइटी यानी कि समाज से डील करते हैं, उनके फैमिली प्रेशर, कैरियर या प्यार और भी बहुत सी दिक्कतें आते हैं और वो कैसे इससे डील करते हैं ये आपको मूवी में देख लेना है। एक अच्छा खासा लव स्टोरी मूवी है, 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb से और 57% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हो। नंबर 9 दिल बेचारा 2020 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सुशांत सिंह राजपूत, संजना सांगी और सैफ अली खान जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो इस मूवी में एक लड़का और एक लड़की की कहानी दिखाया गया है, मैनी और किजी। वो दोनों ही अपने अपने लाइफ में मौत से लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को जानलेवा बीमारी होता है, पर आपको देखना यह है कि कैसे वो लोग अपने बाकी लाइफ खुशी से और पॉजिटिवली निकालते हैं और आखिरी में जो होता है भाई आंखों में आंसू आ जाएगा, रो पड़ोगे आप। भाई कमाल का मूवी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb और 98% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। एक कमाल का मूवी है, डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। नंबर 8 छलांग 2020 में रिलीज हुई एक रोमांटिक डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको राजकुमार राव, नुसरत भरूचा और गरिमा कौर जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो ये मूवी बेस्ड है मंजित उर्फ मंटू के ऊपर, जो कि बहुत आलसी फिजिकल ट्रेनर होता है, उसे कोई काम करना ही नहीं होता है और वो एक लड़की से भी प्यार करता है उनके ही स्कूल में। पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक आदमी मंटू को धमकाता है कि उसकी नौकरी और छोकरी दोनों ले जाएगा और आगे वो क्या करता है, मतलब क्या क्या होता है आप मूवी में देख लेना। ये एक टाइप का तो अच्छा मूवी है जो आपको एंटरटेन पक्का करेगा। 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb से और 77% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको Amazon Prime पे मिल जाएगा। नंबर 7 टाइम टू डांस 2021 में रिलीज हुई रोमांटिक डांस ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको सूरज पंचोली, इसाबेल कैफ और राजपाल यादव जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो इस मूवी में एक बॉलरूम डांसर के बारे में दिखाया गया है जो कि इंजर्ड होती है फिजिकली और मेंटली यानी कि इमोशनली भी, पर उसके उम्मीद तब बढ़ जाती है जब वो एक सही और नया डांस पार्टनर से मिलता है जो कि इस मूवी का हीरो है। अपने पेनफुल पास्ट को याद रखते हुए वो अपने डांस करियर आगे बढ़ाती है। उसके बाद क्या क्या होता है, उन दोनों में प्यार बढ़ता है और आगे बहुत सी चीजें होता है जो आपको इस मूवी में अच्छा लग सकता है। 1.4 आउट ऑफ 10 IMDb और 41% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। नंबर 6 जवानी जाने मन 2020 में रिलीज हुई एक रोम कॉम ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सैफ अली खान, आलिया और कुवारा जैसे और भी एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो जॉर्ज एक 40 साल का आदमी जो कि लंदन में अपने लाइफ मजे में जी रहा होता है, किस तरह का मजा ये आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप बहुत समझदार हो यार। पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक औरत उसे ये बताती है कि उसका एक जवान बेटी भी है और आगे क्या होता है, क्या वो अपने लाइफ को चेंज करता है और भी बहुत सी चीजें आपको इस मूवी में देख लेना है। रोमांस, कॉमेडी और अच्छा खासा ड्रामा भी देखने को मिल जाएगा। ये एक अच्छा मूवी है, 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb और 74% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी Amazon Prime पे आपको मिल जाएगा। नंबर 5 गिन्नी वेड सनी 2020 में रिलीज हुई राम कम ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको विक्रांत मिया, सीएमई गौतम और ईशा तलवार जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो इस मूवी में एक लड़के के बारे में दिखाया गया है जो कि शादी करने के लिए होता है तो बहुत उतावला, पर कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है क्यों, ये आपको मूवी में देख लेना है। पर ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की को देखता है, उसे मिलता है और उसे प्यार करने लगता है और आगे क्या होता है ये भी आपको मूवी में ही देख लेना है। ये एक टाइप का अच्छा मूवी है, आपको पसंद आ सकता है। 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb और 74% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा।
नंबर 4 सनम तेरी कसम 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको हर्षवर्धन, मौरा और मुरली शर्मा जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो जब सरस्वती एक लड़की जिसे उसके पिता घर से बाहर निकाल देते हैं, पर ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपना हीरो नाम इंदर होता है वो खड़ा होता है उसके साथ और सारे प्रॉब्लम फेस करता है, उसे बचाता है। और आपको आगे क्या होता है ये आपको मूवी में देख लेना है। मतलब क्या उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता है या और कुछ, मतलब आगे वो कैसे अलग होते हैं और भी बहुत सी बात है इस मूवी में देख लेना है। अच्छा मूवी है, आपको पक्का पसंद आएगा। 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अंदाजा लगा लो मूवी कितना अच्छा होगा। ये मूवी आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगा, अमेजन प्राइम पे मिल जाएगा और साथ ही साथ G5 पे भी मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हो तो जल्दी जाके देख लो यार। नंबर 3 बेफिक्र 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको रणबीर सिंह और वाणी कपूर जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो धर्म और सायरा एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करने लगते हैं, डेट करने लगते हैं एक दूसरे को, पर बहुत जल्द कुछ हादसों से वो लोग अलग हो जाते हैं, मतलब उनका ब्रेकअप हो जाता है। पर वो लोग मूव ऑन भी कर लेते हैं अलग अलग रिलेशनशिप में आके। पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उन लोगों को अंदर से फील होता है कि वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डीपली प्यार करते थे, जो आपको आगे मूवी में देख लेना है कि क्या क्या होता है। बहुत सी बातें हैं जो आपको पसंद आ सकता है। ये टाइप का अच्छा मूवी है। 4 out of 10 IMDb और 55% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पे मिल जाएगा। नंबर 2 ओके जानू 2017 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर और नसरुद्दीन जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो आदि और तारा एक दूसरे से एक शादी में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जो उन लोगों की कैरियर या डेस्टिनी भी कह सकते हो आप, उसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे एक टाइप का तो अलग होने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो लोग उन्होंने डिसाइड किया था वो उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। और आगे क्या क्या होता है ये आपको मूवी में देख लेना है और भी बहुत सी बातें हैं। 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb और 55% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको वूट पे और अमेजन प्राइम पे दोनों ही जगह मिल जाएगा, कहीं पे जाके देख सकते हो। नंबर 1 चंडीगढ़ कार्य आशिकी 2021 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर और अभिषेक बजाज जैसे और भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो मन्नू एक बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम भी होता है, वो एक लड़की के प्यार में पड़ता है जो उसके जिम में जुम्बा टीचर होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, अच्छा खासा लव स्टोरी, कॉमेडी और अच्छा खासा रोमांस चल तो रहा होता है, तब तक जब तक मन्नू उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज ना कर दे। और उसके बाद जो होता है भाई क्या बताऊं, मतलब वो लड़की कुछ बताती है जो कि मूवी का प्लॉट लाइन ही चेंज कर देता है। ये कमाल का मूवी है, सबको पसंद आएगा। 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb और 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा, जाओ देखो। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ जाता है तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे ऐसे मूवीज वाले सरप्राइजेस है। तो अब आप बताओ कितने मूवीज देख चुके थे, कितने आगे देखोगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सब कुछ जो आपको बताना है आप कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज प्लीज प्लीज।